2017 में जनता ने एक संकल्प लिया, सपा मुक्त उत्तर प्रदेश का, जिसका नतीजा ये रहा कि यूपी को न सिर्फ अराजक प्रदेश के तमगे से मुक्ति मिली, अपितु गुंडाराज, दंगे और योजनाओं में होने वाले घोटालों की श्रृंखला पर भी विराम लगा। वरना एक वो मंजर भी था जब रहा शिविरों में ठंड के कारण मासूम बच्चे दम तोड़ रहे थे और सत्ताधारी जनता के लूटे हुए 334 करोड़ रुपए लगाकर सैफई महोत्सव में फिल्मी सितारों के ठुमके देखने में मशरूफ थे। सपा सरकार में मासूम बच्चों के भविष्य के साथ किस तरीके से खिलवाड़ होता था, आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को शिक्षा देने की बजाय कड़ाके की ठंड में उनसे मिड डे मील के बर्तनों की सफाई करवाई जाती थी। और हद तो तब हो गई थी जब एक टीचर ने 1800 रुपए प्रति माह पर एक नाबालिग लड़की को अपनी जगह पढ़ाने के लिए रखा था, जिसे खुद उसकी जन्मतिथि तक पता नहीं। और इनकी ऐसी ही लापरवाही के कारण 4 साल में सरकारी स्कूलों से 7 लाख बच्चे घट गए थे। प्रदेश की हालत भले ही बद से बदतर होती जा रही थी, लेकिन यूपी की सत्ता पर बैठे अखिलेश यादव का पूरा फोकस सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति, अपनी पार्टी और परिवारवाद के विकास तक सीमित था।